दोस्तों ब्रिक्स कंट्रीज का एक समिट हुआ जिसमें चाइना ने इंडिया को अर्ज किया कि इंडिया उन्हें अपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने दे। रिसेंटली दोस्तों इंडिया ने चाइनीज इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी BYD के 1 बिलियन के इन्वेस्टमेंट को इंडिया में आने से रोक दिया। वहीं दूसरी ओर टेस्ला को इंडिया में लाने की बातचीत चल रही है। कैसे इंडिया में टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग हो सके इस पर मीटिंग्स हो रही हैं। तो ये सब देख के चाइनीज कंपनीज और चाइनीज गवर्नमेंट को लगा होगा कि वो इंडिया जैसी बड़ी मार्केट को इस फील्ड में खो देंगे। इस वजह से चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के फॉरेन मिनिस्टर ने ब्रिक्स समिट में इंडिया से ये रिक्वेस्ट करी कि वो अमेरिकन और चाइनीज कंपनीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, चाइनीज कंपनीज के साथ भेदभाव ना करें। दोस्तों इस पर इंडिया के जेम्स बॉन्ड कहे जाने वाले अजीत डोवाल सर ने जवाब दिया कि जब तक इंडिया और चाइना के बॉर्डर रिलेटेड इश्यूज सॉल्व नहीं हो जाते तब तक रिलेशंस भी नॉर्मल नहीं हो सकते। दोस्तों अगले महीने एक और समिट होने जा रहा है जिसमें शी जिनपिंग और PM मोदी के साथ मीटिंग हो सकती है। देखते हैं तब इस इशू पे क्या बात होती है।